सो एप्पल डिवाइसेस का रिपेयरिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है? एंड्रॉयड यूजर्स, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिस इज द ओनली रीजन जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए, बिकॉज आईफोन जैसे तैसे करके आज की डेट में परचेज करना तो ईजी हो गया है। बट इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की वैल्यू किसी को तब पता चलती है जब कोई अपने आईफोन की क्रैक्ड स्क्रीन को रिपेयर करवाने के लिए लेकर जाता है। एंड इस तरह के एक्सपेंसिव रिपेयरिंग कॉस्ट की वजह से ओनली इंडियंस एप्पल से परेशान नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, 3 month ओल्ड एप्पल वॉच की स्क्रीन को रिप्लेस करवाने का कॉस्ट अराउंड $300 यानी कि 22,000 रुपीस बताया जाता है। एंड फनी बात यह है कि ये $300 एक ब्रांड न्यू एप्पल वॉच का 70% रिटेल प्राइस होता है। और इस तरह के हाई प्राइस को एक एप्पल डिवाइस को रिपेयर कराने में लगाने से तो अच्छा है न्यू प्रोडक्ट परचेज कर लिया जाए, बट ऐसा होने के चांसेस 50-50 होते हैं, बिकॉज एप्पल डिवाइसेस के रिपेयरिंग चार्जेस हमेशा से इस तरह से एक्सपेंसिव नहीं थे। हालांकि ऐसी सिचुएशन ओनली एप्पल यूजर्स को नहीं बल्कि अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रिपेयरिंग में भी देखने को मिलती है, जो लास्ट 20 ईयर से ओनली इंक्रीज होता आया है। बट एप्पल है तो एक्स्ट्रा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। वेल, एक तरह से ये बात सही है, बट हमें किसी कंपनी का ऐसा करने के पीछे का रीजन समझना ज़रूरी है, जो कि एप्पल के केस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि आखिर एप्पल अपने डिवाइसेस को रिपेयर करने के लिए इतना ज़्यादा चार्जेस क्यों लेती है। वेल, इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि एप्पल कैसे एवरी ईयर न्यू डिवाइसेस को डेवलप करता आया है। जैसे कि आईफोन, आईपैड एंड मैकबुक, अपने फर्स्ट वर्जन के लॉन्च के बाद से ऐसे डिवाइसेस में कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए हैं, एंड इन डिवाइसेस का ऐसे अपग्रेड इन डिवाइसेस के रिपेयर से कैसे रिलेटेड हैं। जैसे कि अर्ली मैकबुक वर्जन में यूज़ की जाने वाली बैटरीज रिप्लेसेबल हुआ करती थी, जिसे कोई भी यूज़र बिना किसी टेक्निकल मदद से ईजिली खुद चेंज कर सकते थे। एंड मैकबुक के ऐसे फीचर को यूज़ करने वाले सभी यूजर्स ने एक नेसेसरी फीचर बताया, जिसे वो फ्यूचर में आने वाले सभी लैपटॉप्स में देखना चाहते थे, बिकॉज पहले के अर्ली एप्पल लैपटॉप्स की बैटरी लाइफ आज के मैकबुक जितनी लंबी नहीं हुआ करती थी। एंड एक्चुअली में पहले की मैकबुक की बैटरी लाइफ सिंगल चार्ज होने पर ओनली 5 hours का बैकअप प्रोवाइड करती थी, बट इस तरह के शॉर्ट टाइम के बाद भी मैकबुक यूजर्स बैटरी के रिप्लेसेबल फीचर के कारण काफ़ी हैप्पी थे। इसलिए पहले के समय में मैकबुक यूजर्स अपने साथ फुल्ली चार्ज बैकअप बैटरी रखा करते थे, जिसे वो फर्स्ट बैटरी के ओवर होते ही यूज़ करना शुरू कर देते थे। एंड इस तरह का फीचर मैकबुक यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बन गया। बट 2008 में एप्पल ने न्यू मैकबुक एयर लॉन्च किया, जिसमें पहले की तरह बैटरी रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं था। एंड सिंस न्यू मैकबुक एयर में नॉन रिप्लेसेबल बैटरी इस्तेमाल की गई थी, इसलिए यदि मैकबुक एयर में किसी तरह की बैटरी इशू होती थी तो यूजर्स को अपना लैपटॉप किसी टेक्नीशियन के पास लेकर जाना पड़ता था, जिसके लिए यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था। एंड नाउ न्यू मैकबुक एयर के आने के बाद से मैकबुक यूजर्स पहले की तरह बैटरी रिप्लेस करने की कन्वीनियंस इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। भले ही यूजर्स इस तरह के अपग्रेड से खुश नहीं थे, बट एप्पल ने इस तरह के नॉन रिप्लेसेबल बैटरी के इस्तेमाल से अपने लैपटॉप के साइज को काफ़ी डिक्रीज कर दिया, एंड एप्पल अपने इस डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। एंड एप्पल ने जिस बैटरी टेक्नोलॉजी को अपने ओल्डर मैकबुक में इस्तेमाल किया था, वो टेक्नोलॉजी अपने टाइम में काफ़ी यूनिक कंसीडर की जाती है, जिसकी वजह से ही एप्पल का मैकबुक इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। बिकॉज एप्पल ने अपने लैपटॉप में अदर लैपटॉप ब्रांड की जगह इस तरह के सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स यूज ना करते हुए खुद के डिजाइन किए हुए लिथियम पॉलीमर सेल्स यूज किए, जो लिथियम आयन सेल्स की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थिन एंड शेप में रेक्टेंगुलर होते हैं। एंड इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप की बैटरीज के इस्तेमाल से एप्पल के लैपटॉप्स में किसी भी तरह की स्पेस की वेस्टेज नहीं हो रही थी। साथ ही न्यू मैकबुक एयर की बैटरी को नॉन रिप्लेसेबल बनाने के बाद एप्पल अपने लैपटॉप में ऐसे पार्ट्स को अलग तरह से मॉडिफाई कर सकता था, जिसकी वजह से नाउ एप्पल अपने मैकबुक में 30% बड़ी बैटरी लगा सकता था। एंड ऐसे चेंजेस की वजह से एप्पल ने मैकबुक की बैटरी लाइफ एक्सपेंड करने के साथ मैकबुक को काफ़ी स्लीक डिज़ाइन प्रोवाइड किया। इस तरह की अचीवमेंट के लिए एप्पल ने नॉन रिप्लेसेबल बैटरी की बेनिफिट से जुड़े कस्टमर्स के इमोशंस को इग्नोर करते हुए एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट और रिपेयर के प्लान को फॉलो किया।
अनदर एग्जाम्पल आईपैड, एक और एप्पल प्रोडक्ट जो एप्पल रिपेयर्स के एक्सपेंसिव होने के रीजंस को एक्सप्लेन करता है। 2010 में रिलीज हुए ओरिजिनल आईपैड में एप्पल ने एक नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले का यूज किया था, मीनिंग आईपैड का फ्रंट ग्लास एलसीडी पैनल से किसी भी तरह से ज्वाइन नहीं था, इसलिए आईपैड के फ्रंट ग्लास और एलसीडी पैनल के बीच में इस तरह का गैप मौजूद हुआ करता था। एंड इस तरह के गैप एंड फ्रंट ग्लास और एलसीडी पैनल का सेपरेट होने के कारण यदि कोई यूजर अपने आईपैड की स्क्रीन को डैमेज कर भी देते थे तो आईपैड के फ्रंट ग्लास को चेंज करना बिल्कुल भी इजी हुआ करता था एंड साथ ही अफोर्डेबल भी। बट एप्पल ने इस तरह के इजी एंड कंज्यूमर फ्रेंडली पार्ट को भी 2013 में लॉन्च हुए आईपैड एयर में हटा दिया एंड न्यू आईपैड पहले की तरह नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले की जगह लैमिनेटेड डिस्प्ले के साथ आने लगा, जिसमें आईपैड का फ्रंट ग्लास और एलसीडी पैनल एक साथ कनेक्टेड थे। एंड सेम मैकबुक एयर की बैटरी की तरह ही एप्पल के इस डिवाइस अपग्रेड में भी यूजर्स के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। इस तरह के आईपैड अपग्रेड में नाउ पहले के मॉडल में मौजूद ग्लास के नीचे का गैप अब रिमूव हो गया था, जिसकी वजह से आईपैड एयर के पिक्सल्स यूजर्स के टच करने पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए थे, जिसने ओवरऑल आईपैड एयर के यूज़र इंटरेक्शन को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल जैसा बना दिया। एंड इस तरह का अपग्रेड और भी इम्पॉर्टेंट हो गया जब एप्पल ने अपने आईपैड के लिए एप्पल पेंसिल रिलीज की एंड लैमिनेटेड डिस्प्ले की वजह से ऑब्वियसली एप्पल ने अपने आईपैड को न्यू एंड स्लीक डिज़ाइन प्रोवाइड किया, जो आईपैड एयर के लिए मोर बैट्स की डिमांड का रीज़न रहा। बट न्यू आईपैड अपग्रेड का डिसएडवांटेज ये था कि यदि कोई यूज़र बाय मिस्टेक अपने आईपैड की स्क्रीन को डैमेज कर देते थे तो रिपेयर में नॉट ओनली फ्रंट स्क्रीन को रिपेयर करवाना पड़ता था बट एलसीडी स्क्रीन को भी रिप्लेस करवाना पड़ता था। इस तरह से यूजर्स को अननेसेसरी पार्ट्स की रिप्लेसमेंट के लिए अपनी पॉकेट एम्प्टी करनी पड़ती थी। आईपैड एयर और मैकबुक एयर के न्यू अट्रैक्टिव डिज़ाइंस के अपग्रेड से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एप्पल जैसे ब्रांड को ऐसे अपग्रेड्स के लिए किस तरह के स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बिकॉज यूजर्स ऑलवेज इस तरह के थिन एंड स्लीक दिखाई देने वाले गैजेट्स को ओल्ड एंड हैवी दिखाई देने वाले प्रोडक्ट्स की जगह ऑलवेज प्रीफर करते हैं। इसलिए कस्टमर्स की प्रेफरेंस की वजह से एप्पल जैसी कंपनीज अब मॉडर्न टाइम में अपने डिवाइसेस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बेस्ड एंड लुक्स बेस्ड बनाना चाहती है, जिसके लिए प्रोडक्ट्स की रिपेयरिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। बट एप्पल के प्रोडक्ट्स की रिपेयरिंग का इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होने का रीज़न अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज टिल नाउ हमने ऐसे एक्सपेंसिस के लिए ओनली एप्पल प्रोडक्ट्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। बट ऐसे एक्सपेंसिस से जुड़ा एक और एलिमेंट है जो एप्पल के एक्सपेंसिव रिपेयरिंग कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जो कि है एप्पल प्रोडक्ट्स के रिपेयरिंग करने का लेबर चार्ज, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यदि आप ये वीडियो इंजॉय कर रहे हैं तो गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड एप्पल से रिलेटेड ऐसे ही और भी यूनिक वीडियोस को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, वीडियोस का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑलराइट, एप्पल के पार्ट्स का एक्सपेंसिव होने का रीज़न तो हमने डिस्कस कर लिया, बट व्हाट अबाउट द लेबर चार्ज? वेल, मैक प्रो के अलावा एप्पल के मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स और उनके पार्ट्स मेड इन चाइना होते हैं, जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लेबर चार्जेस काफ़ी लो हैं, इसलिए चाइना में लेबर कॉस्ट पर यूनिट एब्सोल्युटली मिनिमम होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिपेयरिंग कॉस्ट दूसरी कंट्रीज की कंपैरिजन में काफ़ी लो है। बट वहीं सेम डिवाइसेस को रिपेयर कराने की कॉस्ट किसी और कंट्री में काफ़ी ज़्यादा होती है एंड इसी वजह से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर कराने का कॉस्ट किसी और कंट्री में काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि यदि आप चाइना की जगह किसी और कंट्री में मौजूद एप्पल स्टोर में कोई भी एप्पल प्रोडक्ट रिपेयर करवाने जाते हैं तो एक तरह से आप अपने गैजेट्स को रिपेयर करवाने के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे होते हैं, जो आपके डिवाइसेस को फर्स्ट पूरी तरह से ओपन करेगा एंड देन रीअसेंबल करेगा, वो भी जस्ट अपने हाथों की मदद से, जो एज ऑलवेज काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, स्पेशली एप्पल वॉच जैसे डिवाइसेस में, जिसे एप्पल ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कोई भी एप्पल के अलावा टेक्नीशियन उनके वॉचेस को रिपेयर ना कर सके। इसलिए एक सिंपल स्क्रीन रिप्लेसमेंट का कॉस्ट एप्पल वॉच के लिए अपनी एक किडनी बेचने जैसा होता है। वहीं हमें नॉट ओनली एप्पल स्टोर बट एंड्रॉयड डिवाइसेस के सर्विस सेंटर से जुड़ी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, जहां पर डिवाइस रिपेयर करवाने गए ओनर्स को उनके गैजेट से जुड़े इस तरह के इनकरेक्ट डायग्नोस इश्यूज के बारे में बताया जाता है,
जो कि एक्चुअली में ओनली एंड ओनली कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करवाने वाली बातें होती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, या फिर यदि आपके पास कोई एप्पल डिवाइस मौजूद है तो आपको हमारी कंट्री में अपने डिवाइस से जुड़ी किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं, शेयर और ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, शेयर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम।